बाबा जी साडा काम है, दो मिनट रुक जा। हाँ हूं मैं जुड़ गया, हूं दस की है। वो कितों जुड़ गए हो? दिमाग नाल जिन्हें ध्याया है ना, जेड़ा कवे मैं दिमाग ला के दसदा तुहाडा काम की है, वो कदे उन्हें पा ही नहीं सकता। राम से बड़ी मस्ती कोई नहीं। कल मैं एक जगह बैठा था तो देश के बड़े बड़े संत थे वहां, उनसे ऊपर देश में संत ही नहीं। हमारे परमार्थ निकेतन के चिदानंद सरस्वती, बाबा रामदेव जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी, योगी बालकनाथ जी, ज्ञानानंद जी महाराज, गीता मनीषी, संतों की, क्योंकि मैंने गाना नहीं सीखा साहब, मैंने सिर्फ और सिर्फ उसे मनाना सीखा, और संतों के साथ रहा, संतों से ही बड़ा हुआ हूं, इसलिए ऐसा ही हूं। एक पंत, एक संत, एक हनुमंत और एक भगवंत, इसके सिवा कुछ नहीं आता मुझे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, बोले कुछ लोग मस्ती में जिंदा है, कुछ लोग नानक साहब की मस्ती में जिंदा है, कुछ लोग अपनी हस्ती में जिंदा है, और जो कुछ नहीं करते वो जबरदस्ती जिंदा है। अब कौन हस्ती में जिंदा और कौन मस्ती में जिंदा है, और कौन जबरदस्ती जिंदा है, ये सोचने की बात है। जबरदस्ती कौन जिंदा है? जो हर मिनट में मैता मर गया, हाल है खत्म गाल, वो जबरदस्ती तो जिंदा है। और हस्ती में कौन जिंदा है? ले आवाली बिल्डिंग ला ली, नाला भी ला लेंगे, चिंता ना करो, ये हस्ती में जिंदा है। और मस्ती में कौन जिंदा है? वो अग लगे जमाने नू, आपा तो बस राम दे हैगे ते राम दे रवांगे, ये मस्ती में जिंदा है। एक बार कह दो जय श्री राम। हाँ हाँ क्या बात है, एक बार और कह दो जय श्री राम, एक बार और कह दो जय श्री राम। ये रात के 11:15 बज रहे, लाइव चल रहा है, इंटरनेशनली चल रहा होगा, विदेशों में भी NRI बैठे होंगे, देख रहे होंगे, देख लो ये गुराया है पंजाब। रात को 11:15 बजे एक बार और कह दो जय श्री राम। राम जपते हैं भोलेनाथ, कितने साल की समाधि है भोलेनाथ की पता है? जब एक बार आंख बंद करते हैं ना, 80 लाख साल, 80 लाख ईयर्स आंखें बंद रखते हैं। और उसमें भी कुछ लोग कहते हैं नहीं, हमने उन्हें भांग खाते देखा है, हमें उन्हें गांजा पीते देखा है, हमने उन्हें सुल्फा पीते देखा है। दो चार किताबा पढ़ के कोई संत नहीं बन जाता, कोई संत नहीं बन जाता, कोई सुल्फे गांजे पी के कोई संत नहीं बन जाता, सुल्फे गांजे पी के कोई संत नहीं बन जाता। वो तो बस दो चीजा तो मिलता ते लभदा है, जेड़ा दिल लाल वेखे ओनू मिलता है, जेड़ा दिल ला के गल करता है, ते जेड़ा अखा नाल वेखदा है ओनू दिसदा है। मैंने लिखा ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा राजा, ना मैं भांग पीऊं ना मैं गांजा, भोलेनाथ मैं तेरा राजा। राम जपते हैं, नशा मुझे तेरे नाम का हुआ है, नशा मुझे तेरे नाम का हुआ है। ये हमारे भाई, ये जो आगे बैठे यहाँ बैठे मेरी माताएं बहनें, जो दीवारों पे चढ़े हुए छत पे बैठे हैं, मेरा वादा है जिसको राम के नाम का नशा हो गया उसे दूसरे नशा करने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो शाम का नशेड़ी हो गया उससे फिर नशेड़ी दूरी रहते हैं। भाई इससे पंगा ना लो, क्या करेगा इसके आगे कोई गांजा, करेगा इसके आगे कोई गांजा। भोलेनाथ नू भांग चढ़ती है, चढ़ती मतलब जैसे कपड़ा है ना हमारा, ये खाते नहीं है पहनते हैं, ऐसे ही भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, वो पीते नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल उन्होंने विष्णु के लिए रख दिए और पत्ते खुद के लिए रख दिए साहब। पहला देव है जो बेल पत्र भी उल्टा चढ़वाता है ताकि शर्म ना आ जाए, उल्टा। आप कैसे कह सकते हो वो सनातनी दोगला हिंदू है जो भोलेनाथ को बदनाम करने की बात करता है कि वो भांग और गांजा पीते हैं? ना वो पीते हैं ना उनके भगत पीते हैं,
वो भी राम का नाम लेते हैं और उनके भगत भी राम का नाम लेते हैं। दोनों हाथ उठा के, और जिनको राम के नाम से तकलीफ है, जो नाम ना ले राम का, वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। दोनों हाथ उठा के डमरू बजा के ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय।